किसे कितनी सुरक्षा देना है ये निर्णय सरकार का है, पर महाराष्ट्र से 3 बड़े प्रोजेक्ट गए, इसलिए अब मुख्यमंत्री को राजीनामा देने का वक्त आ गया है। ऐसा वक्तव्य युवा सेना नेता वरुण सरदेसाई इन्होंने किया। देखिए, किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, इसका पूरा अधिकार ये शासन को होता है, और इसीलिए उन्होंने जो कुछ निर्णय लिया है उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अपने विरोधकों को भी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी शासन की होती है, और इसीलिए मेरी उनसे विनती है कि अपने आप जो विधायक है उनको बताइए, कभी कोई पिस्तौल निकालता है, कभी कोई चुन चुन के मारेंगे ऐसे कहता है, कोई अपने कार्यकर्ताओं को कहता है आप विरोधकों के जाके सर फोड़ दो, मैं टेबल जमीन करवा के दूंगा, ये सब रुकना चाहिए, गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, नहीं देखिए, रोज़गार देना देने वाले है ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ हम अभी 2014 से सुन रहे हैं, रोज़गार किसको मिल रहे हैं, कौन से युवाओं को मिल रहा है, हमारे राज्य के युवाओं को तो मिल नहीं रहे हैं, इसलिए जिस किसी को मिल रहे हैं उनसे उनके अभी जाके पूछना पड़ेगा। नहीं, यही है कि ये जो नई सरकार आई है इन्होंने अभी ध्यान गवर्नेंस पे देना चाहिए, ना कि अपने विरोधकों पे को धमकी देना, उनकी सुरक्षा निकालना। पहले अभी 100 दिन के ऊपर हो गए नए सरकार को आके, 3-3 बड़े उद्योग के प्रकल्प ये गुजरात में चले गए हैं, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल नहीं रहा, यहाँ पर अभी भी हमारे जो किसान है वो आत्महत्या करते जा रहे हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, इसी पर कोई मंत्री बात नहीं करता है, सिर्फ विरोधकों को कैसे धमकाया जाए, डराया जाए, इस पर उनका ध्यान है, इसीलिए अभी ये नए गवर्नमेंट का फोकस ये गवर्नेंस पे होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, मुझे लगता है ये सब देख रहे हैं, सब कुछ एक ही गवर्नमेंट, एक ही स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है, एक ही स्टेट को मिल रहा है, ये सब देख रहे हैं।